Hello everyone, in today's video I'm going to explain the central idea of the poem My Mother at 66. Before starting this video I have a small request, please watch this video till the end. So without a further ado, let's get started. Central idea of the poem My Mother at 66. This poem is written by Kamala Das and we are going to know about the aging process and bonding between her mother and Kamala Das. The poem My Mother at 66 is about poet's love for her aging mother and the sadness that comes with realizing when she won't be around forever. So ye line hame batata hai ki Kamala Das ki ek budi si maa hai aur jo is duniya mein hamesha ke liye nahi reh sakta hai. So इस वजह से जब ये बात पता चलता है कि कमला दास की माँ इस दुनिया में हमेशा के लिए नहीं रह सकता है तो इस रियलाइजेशन को लेकर कभी बहुत ही बुरा महसूस करते हैं. द पोम एक्सप्लोर्स द थीम्स ऑफ लव एजिंग एंड डेथ एंड रिमाइंड अस हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ टू चेरिश द टाइम वी हैव विद आवर लव्ड वंस. सो ये कविता प्यार एजिंग एंड डेथ की थीम को एक्सप्लोर करते हैं, इसके बारे में हमें बताते हैं और साथ ही साथ हमें एक चीज़ को ज्ञात कराते हैं कि जब हम अपने लव्ड वन के साथ होते हैं, जब हमारे पास वो एक वैल्यूएबल क्वालिटी टाइम के बोल सकते हैं, जब ऐसा टाइम हमारे पास होता है वो समय बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं हमारे लाइफ में. इस चीज़ को ये पोएम हमें ज्ञात कराते हैं, रियलाइज़ कराते हैं. ओके, आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा. शॉर्ट एक छोटा सा वीडियो है एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. ओके, थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.